प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे, ज्योतिष रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जो प्यार स्नेह आप लोग मुझको दे रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे प्रोग्राम को देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली देखने का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराऊं। आप लोग इसी प्यार के साथ मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, एक समय आएगा कि खुद आप अपनी कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। बहुत से लोगों की फरमाइश आई है, गुरु मंगल शुक्र युक्ति अगर मेष लग्न में है तो क्या प्रभाव देता है। आज आप लोग को मैं मेष लग्न में गुरु मंगल सूर्य युक्ति का प्रत्येक भाव में क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, क्या किस प्रकार का प्रभाव देता है, इसको सुनिए। जिसका मेष लग्न है और लग्न में ही गुरु मंगल सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग होनहार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, परंतु जिद्दी होते हैं और इनके शादी विवाह में रुकावट आती है। मैं इस लग्न के लग्न में दूसरे भाव में अगर गुरु मंगल सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, मानसिक परेशानियों में रहते हैं, परिश्रम का इनको सही लाभ नहीं मिल पाता। मेष लग्न में जिसके तीसरे भाव में गुरु मंगल सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग माता पिता के विचारों से मतभेद रहता है, भाई बंधुओं के विचारों से मतभेद रहता है, ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मेष लग्न में चौथे भाव में अगर गुरु मंगल सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनेता बनते हैं, परंतु इनके चरित्र खराब रहते हैं, इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, नशा पानी का सेवन करते हैं, जिसके कारण ये हमेशा उलझनों में रहते हैं। मेष लग्न में जिसके कुंडली में पांचवें भाव में गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, ऐसे लोग गुप्त विद्या के भी ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग सीए बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग जज बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं। मेष लग्न में जिसके छठवें भाव में गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, बेवजह शत्रु पैदा करते हैं, ऐसे लोग जेल जाने की संभावना बनती है। मेष लग्न में जिसके सातवें भाव में गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग अपनी इच्छा से शादी नहीं कर पाते हैं, सेक्सी विचार के होते हैं, ऐसे लोग का कभी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, तलाक भी होती है। मेष लग्न की कुंडली में आठवें भाव में गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग हड्डी संबंधी बीमारी से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग की बुद्धि चलायवान होती है, ऐसे लोग स्थिर नहीं रहते हैं। मेष लग्न की कुंडली में जिसके नौवें भाव में गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग राजा के समान सुख पाते हैं, पूर्ण उन्नति करते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं, रंग से राजा बनते हैं। मेष लग्न की कुंडली में जिसके दसवें भाव में गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, पदोन्नति नहीं होती है, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। मेष लग्न की कुंडली में ग्रहवें भाव में जिसके गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे लोग रियल इस्टेट, जमीन संबंधी, केमिकल संबंधी, गल्ला संबंधी व्यापार करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है, ऐसे लोग को सरकार से भी उच्च पद की प्राप्ति होती है। मेष लग्न कुंडली में बारहवें भाव में जिसके गुरु मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे जाते हैं, संतान योग्य होते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत रहता है वो स्वयं का बनाया हुआ रहता है, ऐसे लोग की कभी सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती।
ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और कोई मित्रगण इससे संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मेरे प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ आपको फीस देना होगा, संपर्क करके फीस पूछ लेंगे, अगर फीस देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।